ये है इसके अर्थिंग के रिलेटेड, ये है हाउस अर्थिंग। अगर हमने इंडस्ट्री की अर्थिंग करनी होगी उसके लिए हमें बड़ा खड्डा बनाना है, 10 फीट नीचे जाना है, 10 फीट उसका चौड़ाई और लंबाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो छोटा सा है, हम छोटा सा ये अर्थिंग कर रहे हैं प्रैक्टिकल पर्पज के लिए, हम ये कर रहे हैं। यही दे दो सर को, बोले बल्ब जलाना इधर। तो हेलो गाइस, मैं हूं मनीष और स्वागत है आप लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं आईटीआई के बाहर और आज दिन को जो है हम करने वाले हैं यहां पे अर्थिंग का प्रैक्टिकल। तो मैं मिलता हूं आपको प्रैक्टिकल करते करते, तो वीडियो में बने रहिए क्योंकि वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। One hour later. तो गाइज अभी जो है सर ने हमें ये जमीन को नाप के दे दिया, ऊपर से 3x3 का जो यहाँ पर का एरिया हमने पकड़ा हुआ है और इस पे जो है हम बनाएंगे खड्डा सबसे पहले। तो हम अभी सारे बारी बारी यहाँ पर खड्डा बनाएंगे, तो उसके बाद जो है यहाँ पर हम अर्थिंग करेंगे इसकी। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस दिखाता रहूँगा कि कैसे जो है हमने अर्थिंग करनी है आज यहाँ पे। तो वीडियो में बने रहिए क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें जो है मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ अर्थिंग का, कैसे क्या होता है, अर्थिंग कैसे की जाती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिए। गाइज अभी टाइम हो चुका है 3 के करीब और ये जो खड्डा हमने खोदना था 3x3 का, तो ये हमने मैक्सिमम कंप्लीट कर लिया है और आज के दिन जो है हम इसको इस खड्डे को ही कंप्लीट करेंगे। तो बाकी का जो प्रैक्टिकल बचेगा वो हम कल करेंगे, आज फिलहाल जो है हम इसको ये खड्डे को कंप्लीट करेंगे। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो खड्डा जो है कम्प्लीट हो चुका है और हम मिलेंगे आपसे कल सुबह। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह। तो गाइज अभी हम सब लोग अपने ट्रेड से बाहर आ चुके हैं, नीचे जहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं वहाँ पे। तो हमने यहाँ पे सारा सामान लाया है जो जो हमें अर्थिंग करने में लगेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लाया है जो है 2 बोरी भर के जो है हमने कोयला लाया है, नमक लाई है 1 बोरी भर के, और साथ में हमने एक पाइप के साथ जो है कॉपर की प्लेट जो है नीचे वो वेल्ड कर ली है, और इसके साथ हमने एक नट बोल्ट को जो है वेल्ड किया है साथ में, और उसके साथ नट बोल्ट के साथ अब जो है हम बांधेंगे कॉपर की वायर। तो फिर जो है हम इसको नीचे ज़मीन जो हमने खड्डा खोदा है उसके अंदर जो है इसको हम गाड़ देंगे नीचे ज़मीन में। तो हमने इस वायर को जो है इस नट बोल्ट के साथ बांध लिया है और इसको अभी हम जो है सारा प्रोसेस इसका स्टार्ट करेंगे। तो ये सारा प्रैक्टिकल जो है शुरू करने से पहले जो है सर हमें इसके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन बताएंगे कि ये प्रैक्टिकल क्या है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सर हमें क्या क्या बता रहे हैं। ये है इसके अर्थिंग के रिलेटेड, ये है हाउस अर्थिंग। अगर हमने इंडस्ट्री की अर्थिंग करनी होगी उसके लिए हमें बड़ा खड्डा बनाना है, 10 फीट नीचे जाना है, 10 फीट उसका चौड़ाई और लंबाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो छोटा सा है, हम छोटा सा ये अर्थिंग कर रहे हैं प्रैक्टिकल पर्पज के लिए, हम ये कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले कल हमने ये खड्डा खोदा है, ठीक है ना, थ्योरी आपने पढ़ी है, जिसको अगर समझ नहीं आएगी वो मुझे पूछ लेना, ठीक है ना। पहले हम इसको कोयला डालेंगे, ठीक है ना, कोयला डालेंगे उसके ऊपर हम ये कौन से अर्थिंग कर रहे हैं, हम पाइप अर्थिंग, ठीक है ना, पाइप अर्थिंग पढ़ा ना आपने, कितने किस्म की अर्थिंग है, 3 किस्म की अर्थिंग करते हैं हम, पाइप अर्थिंग, ब्लेड अर्थिंग और वायर अर्थिंग, ठीक है ना। हम ये कौन सी कर रहे हैं, पाइप अर्थिंग। डालो इसमें कोयला, इसकी डेप्थ कितनी है, 4 फीट से ज्यादा, अभी हाथ से डालना,
एक आदमी जाओ, अंदर जाएंगे बाद में सर, पहले ऊपर से डालो। पर ये पता क्या है, आप जाओ नीचे, एक आदमी जाओ नीचे, ऐसे आगे इधर से डालोगे तो। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें जो है नीचे वाली लेयर पे जो है कोयला डालेंगे सबसे पहले, और इसके इसको जो है पूरा नीचे प्लान करेंगे, और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर वो जो हमने पाइप के साथ वो कॉपर की जो प्लेट लगाई है उसको जो है हम इसके ऊपर रखेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर हम जो है नमक की एक लेयर डालेंगे, तो एक लेयर कम्प्लीट हो जाएगी। उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे थोड़ी सी, तो गाइज़ जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, हमने जो है तीन लेयर इसकी कंप्लीट कर दी, कोल और ये जो हमने इसके ऊपर साल्ट डाला, इसकी जो तीन लेयर हमें बना ली, और अब जो है हम इस गड्ढे को जो है पूरा मिट्टी से ऊपर से भर देंगे। तो उसके बाद जो है हम इसकी इस वायर को जो है पीछे बिल्डिंग तक ले जाएंगे, और इसको अर्थिंग जो है इसकी कनेक्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं ये फिल करने के बाद पूरे गड्ढे को। तो गाइज़ हमने ये देख सकते हो आप पूरा जो है गड्ढे को फिल कर लिया है, और अब ये कॉपर की वायर जो है एक बची हुई है, और इसको जो है हम अभी ज़मीन के अंदर पीवीसी पाइप में जो है डालेंगे, और इसको जो है ज़मीन के अंदर से लेके जाएंगे बिल्डिंग के पीछे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सारा प्रोसेस हम कैसे करेंगे इसको। तो गाइज़ जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, हमने जो है पीवीसी पाइप के अंदर तार को डाल के ऊपर से मिट्टी में जो है इसको बंद कर दिया है ज़मीन के अंदर। तो अभी जो है हम ये सारा काम ख़त्म कर लिया है, और सर ने जो है हमारे लिए अभी रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रिफ़्रेशमेंट क्या लाई है सर ने हमारे लिए। तो सबको एक एक मिलेगा यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट के तौर पर, जो है हमें एक एक केला दिया जा रहा है खाने के लिए। तो हम मतलब ये केला खा के निकल जाएंगे अपने घर के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है 3:30 के करीब, और यहाँ पे जो है हम छुट्टी करेंगे अभी।
तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं रिफ्रेशमेंट खाने के बाद। A few moments later. तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 3:30 के करीब और हम लोग अभी आर्थिंग की और अभी हम जा रहे हैं क्लास के लिए। गाइस तो आपसे मुलाकात होगी फिर एक नए तगड़े से ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।